हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी फ्लेवरफुल और डिलीशियस एग करी की रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो मेरा और मेरी फैमिली का फेवरेट रेसिपी है। अक्सर मैं उनके लिए ये रेसिपी बनाती हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कोकोनट लिया है, साथ में जिंजर गार्लिक अनियन सौंफ और कुछ गरम मसाले लिया है। कोकोनट का पेस्ट बना लेना है और बाकी मसालों को दरदरा पीस लेना है। अंडा मैंने पहले ही बॉईल करके छील के रखा हुआ था, इसमें इस तरह से कट डाल लेंगे। ऑयल गरम कर लिया है, इसमें अंडों को डाल के फ्राई करेंगे। हल्का सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसे निकाल लेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। सारे अंडों को हमने निकाल लिया है। अब इसी तेल में दरदरा कुटा हुआ मसाला डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज को बारीक काट के रखा हुआ है, उसे डालेंगे। अंडे को कई तरह से बनाया जाता है, आज मैं इसे कोकोनट ग्रेवी में बना रही हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और सब मसालों को एक साथ भूनेंगे। इसे गोल्डन कलर आने तक भूनना है। ये सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, जिसे मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था। टमाटर डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है जिससे कि ये पूरी तरह से गल जाए। इस करी को आप रोटी, नान, पराठा और प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इन मसालों को थोड़ी देर भूनना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट का पेस्ट। कोकोनट का पेस्ट डालने से करी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। इसमें डाल देंगे करी लीव्स, आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है, मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनट का पेस्ट, इसे भी थोड़ी देर कुक करना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। 25 से 30 मिनट में करी रेडी हो जाता है। ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट होता है, अंडों को इसमें डाल देंगे। अंडे डालने के बाद करी को लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। जब ये कुक हो जाए तो लास्ट में हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। इस तरह से
करी तैयार है। सर्व करने से पहले कटी हुई हरी धनिया से इसे गार्निश करें। तो इस तरह से रेडी है एग करी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।